गाइस, तो यहाँ पे आ चुका है रामनवमी, मतलब माता रानी के विदाई का समय। तो विदाई हम कर रहे हैं अभी जाके, और जा रहे हैं अभी, पूजा हवन सब कुछ होगा। पहले आरती पाठ करेंगे, उसके बाद हम पूजा हवन सब कुछ आज करेंगे। तो आज टाइम लैप्स में आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो देख सकते हैं, आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, तो आज मैंने साड़ी नहीं पहना, आज उपवास मिली है, और बस चलते हैं। तो देख सकते हैं, अभी पूरी तैयारी हो गई है और माता रानी को सब कुछ चढ़ा उड़ा दिया है। हलवा पूरी चना बतासे का भोग भी लगा दिया है हमने, और हार फूल सब कुछ एकदम माता रानी को अच्छे से चढ़ा दिया है। उधर बाहर तोड़न ओड़न भी सब कुछ लगा लिया है, और हम लोग आसनी वसनी अपना लगा दे रहे हैं। अब जा रहे हैं हम, आपको टाइम लैप्स में दिखाएंगे, और ऐसे ही हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। सो हे गाइस, हमारा पाठ पूजा हो चुका है, अब यहाँ पे जा रहा है हवन होने के लिए। तो यहाँ पे हम सारी तैयारी कर लिए हैं, यहाँ पे पत्थर को हमने टिका उका लगा दिया और उसमें घी डाल दिया, और ये बना लिए हम लोग, इसमें इसको डालेंगे हवन में। घी के लिए एक कटोरी और चम्मच। तो हम यहाँ पे घी को पलटी कर ले रहे हैं, और इसमें थोड़ा जलने लगेगा तो गला देंगे, जो भी है। तब तक इतना से काम चलाते हैं। यहाँ पे पंडित जी को बैठा दिए हैं, अब ये करेंगे बिलिम बिलिम क्लीम चामुंडा नंबर बिच्छो। तो आपको टाइम लैप्स पे सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। बोलो नमो नमो अम्बे दुकानी, नमो नमो अम्बे दुकानी, बोलो। ऐसे बोलो, नमो नमो अम्बे दुकानी, नमो नमो अम्बे दुकानी, निरंकार है जो तुम्हारी, तुम्ही लोग फैली दियाली, सुशीलाट महाबुकर बिकराला, ने तो बुकुट बिकराला, ना बानंत तुम्हारा भवानी, मेरे मेरे जब बोला हूँ ना। तो यहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है, और देख सकते हैं यहाँ पे हवन भी होना स्टार्ट हो गया, चालू हो गया है। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं और हवन का सब कर लेते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी बैठ गए हैं नमो नमो करने के लिए। अब यहाँ पे चलेंगे हम दोनों, हवन करेंगे और आपको टाइम लैप्स में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हवन पूजा हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा हवन बच गया जो कि जली रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे ए पापू, अच्छा मैंने देख लिया, देखो गुस्सा आ रहा। तो फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी सारा कुछ चढ़ा उड़ा के हो गया है, माता रानी का भी हो गया सारा। तो आज माता रानी हो गई है विदा, तो आज पूरा घर लगेगा सुना, जो कि 9 दिन में बहुत चहल पहल थे। नहीं आंस, ढक्कन दो, ढक्कन दो, मुझे ढक्कन दो, ढक्कन दो। hey guys, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर को साफ करने, मतलब कि यहाँ पे आ गया है माता रानी का विसर्जन का समय। तो यहाँ पे हम करेंगे आज विसर्जन। तो आप देख सकते हैं, होम के बाद हमने कुछ ब्लॉग ही नहीं बनाया, मतलब घर ही पूरा सुना सुना हो गया है, कुछ काम ही उम नहीं था। शाम को भी आरती पूजा नहीं हुआ था, तो हम ब्लॉग क्या दिखाया आपको। तो ये जितना सामान हमने पूजा उजा करके हार जो रखे है ना, सारा चेंज होगा, यहाँ तक कि मतलब दिया हुआ जो धूप बत्ती सब जितना सब कुछ है ना, सब विसर्जन को चला जाएगा, जितना कुछ बचा हुआ है नवरात्रि का। मत बेटा ये लो। तो आप देख सकते हैं, हमने धीरे धीरे सारी सामान उतार ले रही, माता रानी माफ करना भूल चूक जो हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी माता रानी को हम उठाएंगे, जैसे कि ये कलश है, हम दोनों हाथ लगा लेते हैं यहाँ से, हम उठा लेंगे कलश को, कलश ऐसा उतार लेते हैं,
तो कलश के पीछे हमने कितना सामान चढ़ाया था, माता रानी का श्रृंगार उंगार सब देख सकते हैं, मतलब जगह नहीं थी ना इसीलिए सब इसी में। यहाँ पे जो चावल से बना के और उस पर रखा जाता है ना कलश, उसके बाद आंस क्या लियो, ये लेके कुमकुम हल्दी चले गए। तो यहाँ पे माता रानी है, इन लोग को धुला उला जाएगा, सब साफ किया जाएगा। अंशो क्या गिरा है दो। तो यहाँ पे बड़ी वाली देवी है, इनको भी निकाल लेते हैं। अंश तुम एक एक मस्तियां चालू कर दे रहे हैं बीच में। तो यहाँ पे हम मंदिर को कर दिए पूरा खाली, आप देख सकते हैं मंदिर हो मंदिर हो चुका है पूरा खाली। अब मंदिर को हम धो के और जो ये काला काला है ना ये सब साफ करके फिर मंदिर में सारे फोटो भी साफ करेंगे, फिर मंदिर में लगाएंगे। तो ऐसे हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा। सो हे गाइस, तो आप देख सकते हैं मंदिर कैसा चमक गया, देख सकते हैं। तो जो काले काले थे ना वो भी इतने छूटे हैं, उससे ज़्यादा नहीं छूट पाए, उससे ज़्यादा ये छूटेंगे भी नहीं, क्योंकि पत्थर है ना देख सकते हैं लग गया, नहीं लग निकल रहा है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मंदिर मूर्ति को मुझे साफ करनी चल रही है, मूर्ति को साफ करने के लिए। तो ऐसे हमारे ब्लॉग में। सो हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमने भगवान की मूर्तियां और बर्तन सारे साफ कर लिए, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इस लोटे में पता नहीं क्या है, बाहर एकदम क्लीन हो जाता है, अंदर ऐसा ही रहता है, मतलब इससे साफ नहीं होता, क्योंकि इसमें हम मतलब हर सीजन में इसमें पानी चढ़ाते हैं भगवान के पास, तो 24 घंटा उसमें पानी रहता है, इसकी वजह से सारे बर्तन पूरे हो गए हैं क्लीन, आप देख सकते हैं, और मंदिर भी हो गया है पूरा क्लीन। तो अब मंदिर में हम साफ कपड़ा लेंगे धुला उला इसको, अब इसको हम बिछा उछा के सजा के आपको दिखाते हैं। सो हे गाइस, तो देख सकते हैं हमारे मंदिर में फोटो सारे लग गए हैं, सारे भगवान जी अपने जगह पे बैठ गए हैं, तो हम सब साफ अप करके सबको लगा दिया अपने अपने जगह पे। तो बस चलते हैं दिया बाती कर लेते हैं। सो हे गाइस, तो देख सकते हैं हम पूरा मंदिर को साफ सुथरा करके, लाइट भी कर गई, पूरा मंदिर को साफ सुथरा करके, और फिर से जैसे डेली हम पूजा करते हैं जो प्रसाद चढ़ाते हैं जैसा जो होता है छोटा दिया जैसे जलाते हैं वैसे हम कर दिए, टीका उका लगा दिए, सिंदूर उंदूर लगा दिए भगवान जी को। तो मेरा डेली का पूजा ऐसे ही होता है, तो हम डेली हार फूल वगैरह नहीं लगाते हैं, जो मेरे मतलब झाड़ में जो फूला रहता है, तो आज देखते हैं क्या फूला हुआ है, एक दो फूला होगा तो हम चढ़ा देंगे। तो बस यही हमारा डेली का पूजा होता है, तो हम डेली का पूजा कर लिए हैं, बस ऐसे ही होता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे वीडियो पर, हमारे वीडियो पर ऐसे ही प्यार दुलार बरसाते रहिएगा प्लीज़, आपके सपोर्ट की जैसे ही जरूरत हमें बनी रहेगी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमारे जितने नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ उनको दिल से धन्यवाद करते हैं, और प्लीज़ ऐसे ही अपने से फ्रेंड लोग में शेयर करते रहिए हमारे वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने विसर्जन का सारा सामान बैग में भर लिया, ये सब जाएगा विसर्जन करने को। तो बस यहीं पर करते हैं वीडियो के एंड, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सब सुबह सुबह हो रही है, मतलब एकदम सुबह सुबह मैं साफ कर रही हूँ मंदिर मंदिर, तो यहाँ गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। झाड़ में कुछ ऐसे ही इतने 4-5 फूल फूले हुए हैं जो कि एक इधर गिरा हुआ है, तो हम यही सब अच्छे जो है चढ़ा देंगे भगवान को। तो देख सकते हैं सारे भगवान को फूल हो भी गया, तो ऐसे ही हम फूल चढ़ा दिए हैं, बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।